वेलकम बैक। ये अभी आप बात कर रहे थे कि बेरोजगारी फैलती है, रेलवे प्राइवेटाइज होगी तो लोगों का क्या बनेगा? फारिग हुए हैं अभी। नहीं, प्राइवेटाइज होगी तो वो फिर चलेगी ना रेलवे? रेलवे तो चलेगी, कोई ना कोई प्राइवेट चलाएगा, वो बंदे तो रखेगा, वो अपने लायक बाहर से तो नहीं लाने, मजदूर तो यहीं से ही लेगा ना, बाहर के महंगे हैं, कुछ लाएगा ना लोग अपने फायदे के ही लाएगा। वरियाम साहब, रोजगार मिलेगा ना किसी न किसी को। बाहर जब फैक्ट्रियां लगती रही तो हमारे तो नहीं लगते रहे, जब बाहर सऊदीया में लगती रही, सऊदीया में तो फिर अपने बंदे नहीं लाए गए, फिर पाकिस्तान का किसी ने नहीं सोचा। सऊदीया में तो पाकिस्तानी वैसे अगले सबको निकाल रहे, ये भी एक बेहतरीन, वो देखें सऊदी अरब माशाल्लाह बहुत प्यारे मुल्क है उनके, हमारे नवाज शरीफ साहब के साथ बड़े प्यारे ताल्लुकात हैं, अमेरिका साहब के साथ और ज़रा मोहब्बत भरे ताल्लुकात हैं, सबसे पहले इसराइल को तस्लीम किया उन्होंने दुनिया में अमन लाने के लिए, अभी जब मिस्र की सो काल जो इस्लामी हुकूमत गिरी है उसके उन्होंने इनाम के तौर पे उनको नए आने वालों को $5 अरब दे दिए इनाम दिया है, हमारी फौज भी इंशाल्लाह जब किसी को नादिन दिन नाजा करेगी सऊदी अरब 5-10 करोड़ अरब तो दे देगा, लेकिन अल्लाह करे हमारी फौज खिलाफत है रास्ता का जो मॉडल है उसको भी हमें सपोर्ट करके कुछ मौका दे के ऐसे लोगों को आने का, चाहे वो इलेक्ट हों या सिलेक्ट हों या बुरी तौर पे आए, कोई ऐसा डिज़ाइन बने, या सोशलिस्ट भी आखिर पड़े हुए हैं पाकिस्तानी सोशलिस्ट हैं, उनको आम आदमी के लिए काम करने का कोई मॉडल लेके आने दें, कुछ थोड़ा सा ये ज़रा कैपिटलिस्ट से निकल के हम देखें तो सही कि कोई खैर है कि नहीं है, कोई ज़िंदगी है कि नहीं है, कि या इनके तो हसबे मनशे ही हम हसबे मनशा। और वो जो मैं डॉक्टर लाल खान और जो बाकी लोग जो कहते हैं, वो कहते हैं कि जब तक आवाम पैरों से वोट नहीं डालेंगे इन लोगों के नरगे से आप निकल नहीं सकते, इन्होंने इतने शिकंजे चारों तरफ से कसे हुए हैं कि निकल नहीं सकते आप। मिसाल के तौर पे इस दफ़ा की जो हुकूमत आई है 1.5 करोड़ के मंडेट वाली, अब आवाज़ें बाहर निकल रही हैं, कोई कहता है जी ऐसे हो गया वोट डले, कोई कहता है ऐसे, PTI कहती है जी 50-50 हज़ार डाल दिए वोट ऊपर हर को, कोई ये नहीं बातें अब निकल रही हैं। और अब इस वक्त तकरीबन यही सबको पता चल गया है कि ये सिर्फ वोटों की वजह से नहीं आए, और से एलिमेंट भी थे, अब लोगों का कान सान से जी है, तो वो जो एक नुक्ता नज़र है मुझे ये लगता है अब होना। मुझे कल एक मेरी ब्रिगेडियर हामिद सही साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि वरियाम यार मुझे एक डर लग रहा है, डर ये लग रहा है कि ये इनके इन्होंने जब आवाम को सुकून देना कोई नहीं, ये कहते हैं जी हमने IMF की शर्तें नहीं मानी, जबकि आते ही टैक्स बढ़ा दिए हैं, आते ही उनसे जो 5 अरब रुपए डॉलर लेके उनको ही दे दिए हैं वापस सूद पे, डबल सूद अब हो गया, इन्होंने टैक्स बढ़ा के महंगाई बढ़ा, ये सारा कर भी रहे हैं, कह रहे हैं हम मान नहीं रहे, इससे मुझे लगता है। और ये जो हसबे मंशा एंड कंपनी, ये जब अदारों को इस तरह ले लेंगे प्राइवेटाइज करके, और प्रेशर बढ़ेगा, पाकिस्तान तही दस्त होता जाएगा, आम आदमी जब मजमूई तौर पर मरना शुरू होगा तो मजमूई तौर पर निकलेगा, ये भाग जाएंगे बाहर, वो हमारी कोठियाँ कारें जो वो उनको नहीं पता, मंदिर हम भी भूखे बैठे हैं, हमारी कार और हमारा बंगला देख के आग लगाएगा और हमें मारेगा। मैं इस वक्त वो बड़े दानिश्वर आदमी हैं ब्रिगेडियर हामिद सही साहब, और नेक आदमी हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं, वजीर बल्दियात रहे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ रहे कराची में, वो यहाँ पर बहुत अहम उन्होंने अफराय सर अंजाम दिए, नेक वीन वाले आदमी, वो कहते हैं मुझे ये लग रहा है कि अगले साल, ये नहीं उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को जो गाली खाने में 5 साल लगे इनको 5 दिन नहीं लगे, अब लग रहा है कि ये जो इकदाम कर रहे हैं ये मॉब निकलेगा बाहर, जिस तरह अल तहरीर में और तुर्की में और बाकी जो लीबिया में जिस तरह लोग निकले, उस वक्त तक इन्होंने भागना है, हम शिकंजे में आ जाएंगे, और ना यहाँ पे कोई कोठियाँ रहेंगी, ना बंगले रहेंगे, ना दुकानें रहेंगी, ना कारें रहेंगी, आगे लगेंगी, ब्लड शेड होगा, और वरियाम खुदा के लिए दुआ करो वो वक्त ना आए, और इनको अल्लाह अकल दे कि ये वो वक्त आने से पहले सुधर जाए। ये उन्होंने वरियाम साहब देखे जमहूरियत को बर्बाद करने का ये बहुत बड़ा स्टेप होगा, यानी पहले फजल रहमान साहब ने कहा है जमहूरियत को बर्बाद करने के लिए ना लोग कुछ कर रहे हैं, हालांकि जमहूरियत ही जमहूरियत को बर्बाद कर रहे, ये जमहूरी लोग, मतलब एक MNA पहले पता क्या कर रहा है, छोटे लेवल पे था पहले,
कि एक MNA है, ठेका देना है उसने 10 लाख, पहले कंपनी ने दे देना उसको, करोड़ का ठेका है 2 करोड़, पहले उसके घर पहुंच जाना, उस कंपनी को मिलना है जिसने 10 लाख दे दिया, फिर 50 लाख उस कंपनी ने अपना कमाना है, अगला 40-30-40 लाख काम होगा। अच्छा, बड़े लेवल हमें एक बात यह है बुखारी साहब, आप वकीलों में बैठते हैं सारे दानिशवर पढ़े लिखे, एक आम आदमी को ये एक इन्होंने बड़ा अच्छा लफ्ज काजमी साहब बोलते होते हैं सिंबलिज्म, इन्होंने हमारे ऊपर डाल दिया है डेमोक्रेसी और जमहूरियत का सिंबलिज्म में हमें घेरा है कि मार्शल लॉ बुरा होता है, लेके खुद आते हैं, इसलिए लेके आते हैं कि हमें अट्रैक्शन दिखाएं कि कोई जमहूरियत नामी चीज होती है जिसे जब चाहें ये हाईजैक कर लें, जब चाहें अपनी मर्जी के रिजल्ट पैदा कर लें, जब चाहें अपनी मर्जी से रिजल्ट बदल दें, जिस इलेक्टेबल कौन होते हैं वो जमहूरियत होती है इलेक्टेबल, कि जिन लोगों के जनाब जिन्हों पिंडे थाओं में लोगों को जिन्होंने डरा धमका के या फ़ायदा दे के खरीद के बेच के जो अपनी उन्होंने अपनी इंतखाबी जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनी में इंटर हैं वो उन्होंने उठे अपने पक्के किए हुए हैं, तो उनके जरिए हम घोड़े खरीद के हॉर्स ट्रेडिंग, और ये ड्रामे से लोगों बाहर निकलो, खुदा के लिए जमहूरियत तो फ्रॉड फ्रॉड के तौर पर हम पे नाफिज कर दी गई है सिम्बुलिज्म कि जमहूरियत कोई बहुत बड़ी आज़ादी कुछ, ये जमहूरियत तरीका है, वारदात है, टैक्ट है ये जमहूरियत जिसकी वजह से ये हम पर मुसल्लत हैं, और हमें ये बाकायदा उस जमहूरियत का नाम लेके अंदर से निचो गूदे हमारी हड्डियों से चूस के साग करके ये उसकी मोल लगाते हैं और बेच रहे हैं, और हम बेदस्तोपा हैं जमहूरियत के नाम पे, और हम आपस में देखें कितने पढ़े लिखे आदमी, इनको पता ही नहीं जमहूरियत का फ्राड, ये देख रहे हैं जमहूरियत और गैर जमहूरियत, असली जमहूरियत जाली जमहूरियत, जमहूरियत ही तो ज़्यादा ड्रामा है। इन बेचारे इतने पढ़े लिखे आदमी इतने वकीलों में बैठते हैं, बस देखें किधर, ये सिम्बोलिज्म है ना कि हमें उलझा कहाँ दिया है जमहूरियत में, एक फ्रॉड नाफिज करके उस फ्रॉड के अंदर उलझा दिए, क्यों जी मुझे बताएं जी। मैं जो सिंबलिज्म की बुनियादी तौर पे बात कर रहा था वो ये है कि हमारे यहाँ एक सिंबलिज्म, एक गलत सिंबलिज्म ये भी डेवलप किया गया है, मीडिया भी उसमें बराबर का हिस्सेदार है और सियासी जमातें भी, कि फौज को एक हेट का सिंबल बना के इस्टेब्लिशमेंट, इन अदर वर्ड्स वो फौज को ही इस्टेब्लिशमेंट लिए फौजी इस्टेब्लिशमेंट लिया जाता है, तो फौज को एक सिंबल ऑफ हेटेड बना के नफरत का सिंबल बना दिया, और उसी की बुनियाद के ऊपर फिर मियां साहब इलेक्शन जीते हैं, उसी की बुनियाद के ऊपर पिछले 3-4 इलेक्शन जो पीपल पार्टी, हाँ जी अच्छा किया उसमें, जो मैं आपकी बात आगे बढ़ाता हूँ जरा फुर्ती से वो ये है चौकस, वो ये है कि इन्होंने जर्नैल पैदा किए, उनको खरीदा, उनको ऊपर लेके जैसे आप मिस्र में कर दिया, पहले इस्लाम मुसलमान को भी लेके आ गए, अब उनको भी लेके, जब दिल करता है फलां वहाँ पे फौजी लेके आ गए, जब दिल कर, अब वो जब फौजी लेके आए फिर हमारे दिल में उनकी फौज की नफरत पैदा की, ये फौज वो नहीं है जो सीने पे बम बांध के टैंकों के नीचे वतन के लिए लेती है, जब सैलाब आता है कौन आगे आता है, इनके पास तो किसी सिविलियन गवर्नमेंट के पास तो एक क्रेन नहीं निकलती जलजले से, सैलाब जलजले जब मुसीबतें आती हैं फौजी जवान अपने कुओं में छलांगे लगा के हमें निकालते बचाते, एक इतना मजबूत अदारा है हमारा, और ये वो नफरत पैदा करके उनमें से ऐसे बंदे खरीद के उनसे भी हरकतें करवाते हैं और उनसे गलतियाँ वो मानते हैं, लेकिन अब तो 5 साल फौज ने आपको कुछ नहीं कहा, अब तो फौज ने आपको अगले 5 साल भी उसने का कुछ नहीं कहती, अब तो उसको गाली ना दे, आप किसी रिपोर्ट को निकाल के ये अच्छा फिर किया सैफमा जैसा अदारा बना के वहाँ पे फौज के खिलाफ साफी तैयार करके मीडिया पे बिठा के भौंपों को उधर जी, उसमें एक NGO का भी नाम आ रहा है, हाँ किसी का, कौन सी इंटरनेशनल NGO है, कौन सी है नाम तो खैर अभी तक पता नहीं चला, मतलब यही समझ लेंगे, पता तो है लेकिन पता लिया नहीं जा रहा, वो काबले गिरफ्त बात हो जाती है फिर अगर एक तो वो जो थी ना जिसने वो शकील अफरीदी वाले जो टीके लगाने पोलियो वाले जो थे, तो अब वो NGOs का एक छोटा सा मैं वाकया आपको बताऊं, यहाँ एक लाहौर में एक NGO ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट लॉन्च की और उसमें था वो चाइल्ड लेबर और इस तरह के बच्चों के बारे में, गरीब बच्चों के बारे में, अब उस NGO में वो बहुत अच्छा, मैंने शायद आपको दिखाई भी थी रिपोर्ट जो है, अच्छा वो बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, पूरे लाहौर के जर्नलिस्ट इकट्ठे हुए, तो मैं जर्नलिस्टों को बाकायदा इस चीज़ के ऊपर मुखातिब करके बात ये करनी चाह रहा हूँ कि सारे जर्नलिस्ट आए हुए थे और शाजी उसमें एंड में जब वो सारी रिपोर्ट उन्होंने जो छापी थी वो पढ़ के सुना ली थक थका के, तो एंड में जब खाना हुआ तो खाना 5-स्टार होटल
के खाने को भी पीछे छोड़ता था। क्या होगा वहाँ? मैं जल्दी में था, मुझे शायद वापस आप ही के प्रोग्राम में आना था, तो मैं जब खाना खाया तो मुझे पहले नवाले पे स्मेल आई। अब मैं एनजीओस के बेशुमार सेमिनार्स में गया हूँ, मतलब जगह जगह जानते हैं आप इनको, अंदर से जानते हैं। मैं भी एक एक, एक, एक उम्र गुजरी है इनके साथ, तो जब मैंने वो नवाला लिया, अच्छा मैंने दूसरे साथ खड़े बंदे से पूछा, मैंने कहा यार तुम्हें भी आ रही है? कहता नहीं। मैंने एक दो और लोगों से पूछा, कहता नहीं। फिर मैंने नवाला लिया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया, यार ये स्मेल क्यों आई? मैंने खाना रोक दिया और मुझे लगा कि जैसे मैं किसी गरीब भट्टे वाले बच्चे का गोश्त खा रहा हूँ। आप दुनिया को बता रहे हैं कि यहाँ पे उनकी चैरिटी के पैसे से आप यहाँ पे सेमिनार्स कर रहे हैं 5-star होटल्स में, और हम सहाफ़ियों को शर्म आनी चाहिए ऐसे सेमिनार्स को कवर करते हुए और वहाँ पे खाना खाते हुए। चलें, कवर करना तो हमारी जिम्मेदारी है, खाने हम क्यों खाते हैं जाके? ये रिश्वत है, ये हमारी कीमत लगाते हैं ये लोग। और वो समी इब्राहिम साहब जो हैं, वो उन्होंने पूरी उनकी रिपोर्ट पढ़ी है, जैसे पता लगता है कि कैसे कैसे ये एनजीओ जो हैं, वो तो हमारे प्यारे समीर बाहर का जो वो कादी साहब नहीं है, वो तो कादी साहब जो उसको ना दिन दिना उनको रोज ना दिन दिना आखिर उस प्रोग्राम से भाग गए। वो जो प्यारे दोस्त हैं यहाँ आते रहते हैं हमारे बैठ। अच्छा मैं एक और आपकी बात को, PPAFA का दायरा है पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फंड, पिछले दिनों एक चैनल ने उनका वो चलाया भी। अब बड़ी मज़ेदार है आपको बात बताओ, वो गुर्बत दूर करने के लिए एक मैंने उनका उनका अदारा अटैंड उनकी कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप अटेंड की, जिसमें उनके जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे वो कमाल अकबर या अकबर हयात या हयात अकबर या कोई वाहिया। अच्छा जी एक छोटी सी बात, अगर खाना ना ना हो बोल जाएगा तो ये लोग आते नहीं है साफी। मैं ये तो ठीक है, मैं ये बात अपनी जगह मैं भूल जाऊंगा जी। वो ये है कि उसने आके यहाँ पे लिबर्टी के एक होटल में वो था, मैं एक अदारे की तरफ से, उसने बाकायदा कहा कि ये क्या होता है नजरिया, ये क्या है नजरिया पाकिस्तान, हमने जो काम करना है आप किसी को कानो कान खबर न होने दें, हमने जो काम ये करना है कि ये उखेड़ना है, ऐसी तालीम ऐसी देनी है, ऐसी एजुकेशन ऐसा सिलेबस देना है कि ये खुर्चना है जहन से कि क्या पाकिस्तान दुनिया है ग्लोबल वर्ल्ड है नज़रिया पाकिस्तान, इंडिया भी हमारा है, हम भी इंडिया के। ये बाकायदा PPAFA के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने, मैं वहाँ पे एनुअल यकीन गवाह मौजूद हूँ, मुझे कहा ये मौजूद थे। अभी भी ये PPAFA 6-8% तक लेके गया सूद, और इसकी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन 20% चार्जेस बता के 48% गरीब से सूद ले रही हैं, गरीब आदमी का खून निचोड़ रही है, और कहती हम गुर्बत दूर करने इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम आज आप खत्म ये प्रोग्राम ये मुझे इजाज़त दे दे मैं। और आप साफियों को बहुत आपने में देखें, साफी हमारे भाई हैं, जरा खाना थोड़ा सा अच्छा खा लिया, काम बड़ा कर रहे हैं, खाएं वो खा के भी अच्छा, उनसे उनके लिए मेरी बात यह कि खाएं लेकिन लपोट अपनी मर्जी की दें, खाएं लेकिन लपोट अपनी मर्जी की। अल्लाह हाफिज़।